Hello friends, welcome back to our YouTube channel Fortune Realtors. Myself Hitesh Verma, a real estate consultant in Gurgaon. तो friends, आज एक और property लेके आए आपके लिए जो कि gated community के अंदर है. Location की बात करें तो sector 47, Malibu Town is the location. 3 BHK plus पूजा room के साथ ये property आपके सामने जो कि मैं दिखाने वाला हूँ. Construction quality की बात करते हैं friends. Construction quality इसकी काफ़ी आपको पसंद आएगी. इसका layout भी काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी खुला layout है. बेडरूम के साइजेस, किचन के साइजेस, पूजा रूम का स्पेस, वॉशरूम के साइजेस, ऑल आर स्पेसियस. और लोकेलिटी की बात करें, काफ़ी आपको ग्रीन लोकेलिटी मिलने वाली है. नियर बाय आपको पार्क मिलने वाला है. कनेक्टिविटी की बात करें फ्रेंड, तो सोना रोड इससे कनेक्टेड है 1 मिनट की दूरी पे. और हम बात करें हुड्डा सिटी सेंटर, तो 5 मिनट में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सेम एज नेशनल हाईवे NH8 को भी आप एक्सेस कर सकते हैं. फ्रेंड, आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ पे निर्वाणा कंट्री, मेपल गार्डन, ये आपके आसपास की लोकेलिटी मिलती है. तो फ्रेंड्स, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल सभी इसके नियर बाय हैं क्योंकि गुड़गांव के सेंटर में ये लोकेशन है. तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और शुरुआत करते हैं अपनी पार्किंग एरिया से. लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, ये हमारे मेन गेट्स आ जाते हैं. और गेट्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, तो सभी के सेपरेट डोर्स आप कह सकते हैं, सेपरेट गेट आपको मिल जाएंगे. दो दो कार पार्किंग का आपको प्रोविज़न है, तो दो दो कार पार्किंग इस पूरे पार्किंग एरिया में आपको मिलती है. ये देखेंगे, ओपन है और पूरी बिग साइज है, पिलर लेस है. पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छा है. आपके इलेक्ट्रिक यूनिट आपके इस तरफ आ जाते हैं, सभी के वाटर टैंक्स 5,000 लीटर इस तरफ आ जाते हैं. और एक अच्छी शांत पीसफुल सोसाइटी है, लोकेलिटी है. तो चलिए चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ. फ्रेंड्स, एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पे डोरबेल मिल जाते हैं, तो ऊपर से ही आप एक्सेस कर सकते हैं अपने डोर को और यहाँ से एंट्रेंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं. चलिए, नाउ वी आर एंट्रिंग टू द फ्लोर. तो ये जो गेट मैंने दिखाया है काफ़ी शानदार एसएस ग्रिल से है, मैथ डोर के साथ है. ये बिल्डर आपको प्रोवाइड करा रहा है. और एंट्री के बाद आप इस तरह का डोर है, मॉडर्न लुक मॉडर्न पैनल के साथ ये डोर आपको मिलेगा. तो आपको सेंसर ऑटोमेटिक लॉक्स मिलने वाले हैं जो कि गोदरेज के हैं. तो फ्रेंड्स, अभी हम एंटर कर चुके हैं और आपको लेआउट दिखा देता हूँ. फ्रेंड्स, 240 स्क्वायर फीट के अंदर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है. तो बेसिकली वो ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये एंटर के सामने वाली वॉल आ जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है. इंटीरियर्स का काम आप देख सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं, वॉल सीलिंग का काम, दिस इज एक्स्ट्रा वर्क जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है. तो फ्रेंड्स, लेआउट कुछ इस तरह है. यहाँ से हमने एंट्री की, यहाँ पे हमारा पूजा का स्पेस है, यहाँ पे एक हमें स्टोर मिल जाता है, हमारी किचन इस तरफ आ जाती है. फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राइंग एरिया, ये हमारा सेंट्रल एरिया जिसमें आप डाइनिंग एरिया लगा सकते हैं. बेडरूम नंबर फर्स्ट. और फ्रेंड्स, बैक साइड में बिग साइज के 2 बेडरूम्स हैं. तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जिस कॉमन एरिया की. कॉमन एरिया आप देखें, जिस लॉन्ग एंड वाइड और यहाँ पे टाइल का यूज हुआ है, दिस वेट्रीफाइड टाइल. तो लगभग 6x3 का साइज है टाइल का और सारा इटालियन लुक दे रहा है. ये हम देख लेते हैं टेम्पल का स्पेस. तो एक डिसेंट साइज में आपको टेम्पल का स्पेस मिलता है फ्रेंड्स. और यहाँ पे 3 बेडरूम के साथ आपको ये स्टोर मिल जाता है जिसमें फैन, फॉल सीलिंग का काम, लाइट्स ये ऑलरेडी दे रखा है. तो आप चाहे तो इसे एज ए स्टडी रूम बना सकते हैं या स्टोर बना सकते हैं. और यहाँ पे अगर आप क्रॉकरी का और कोई स्टोरेज बनाते हैं तो इसे आप टेम्पल बना सकते हैं. यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी किचन आ जाती है. किचन एक बार देख लेते हैं. ओके, तो सुपर फॉल सीलिंग वर्क के साथ हमारी किचन है और पूरी मॉड्यूलर किचन है. लिटिल डार्क थीम और व्हाइट पार्ट्स का यूज हुआ है. क्या आपके हमको चिमनीज एंड हॉब्स मिलते हैं फ्रेंड. और स्टोरेज आप देखें. ओके, सो दिस का स्टोरेज, यहाँ पे आपको शटर स्टोरेज मिलती है फ्रेंड्स. वेट एरिया फ्रेंड्स आपका इस तरफ आता है और नीचे सारा देखें, इस ऑल दी स्टोरेज. तो काफ़ी बढ़िया स्पेस है.
यहाँ हमें स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर प्लेस कर सकते हैं और इस किचन में आपको ये पेंट्री एरिया भी मिलता है फ्रेंड्स। वेंटिलेशन के लिए फ्रेंड्स हमें विंडो अटैच मिलती है जिसपे एग्जॉस्ट फैन है, चिमनी पाइपलाइंस वगैरह सभी ऑलरेडी फिटेड है। वेट एरिया के लिए स्पेशल आपको ये सारी यूटिलिटी मिलती है, अप एंड डाउन ये सारी स्टोरेज मिलती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी किचन आ जाती है। ये एरिया देखें, यहाँ पे भी अच्छा सा फॉल सीलिंग का काम आपको दिखेगा, पैनल वॉल दिखेगा, कॉब लाइट ब्यूटीफुल है। आपको फैंस मिलने वाले हैं जो कि सेंट्रल एरिया में है, एक आपको उस तरफ मिलता है, एक आपका ड्राइंग एरिया मिलता है। फ्रेंड्स फ्रंट की बालकनी देख लेते हैं, तो फ्रंट की बालकनी पे भी बहुत अच्छा आपको एक मैश डोर मिलता है और एक वुडन डोर मिलता है। तो बेसिकली आपको सनलाइट और एयर के लिए आप मैश डोर का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी बालकनी आती है फ्रंट की और अच्छी लोकेलिटी है, ग्रीन लोकेलिटी है, नियर बाय ही आपको पार्क मिल जाता है। इस तरफ आप जाएंगे पार्क मिलेगा, ऑल दी ग्रीनरी और गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको ये 240 स्क्वायर यार्ड के अंदर ये फ्लोर मिल जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो एरिया है एंट्री के बिल्कुल सामने, यहाँ पे भी देखो पीओपी का बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया रखा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे फैंसी लाइट्स बोथ द साइड। तो ये वॉल काफ़ी इन्हेंस होके आ रही है, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। इसके अलावा भी आप उसको और अपने हिसाब से इसको डेकोरेट करते हैं, स्टिल इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स सोबर। तो फ्रंट का बेडरूम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट का बेडरूम आ जाता है जो कि फ्रंट बालकनी के साथ कनेक्ट है, जो मैंने बालकनी दिखाई आपको। तो इसमें आप चाहे विंडो एसी भी लगा सकते हैं, इसके अलावा स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी दे रखा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वॉलपेपर का अच्छा काम है, जैसे ही हम एंटर करते हैं ये वॉल हमें दिखती है जो कि बेड के बैक साइड में है। तो बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, दिस इज डिसेंट बेडरूम साइज। और हमारे वार्डरोब उस तरफ आ जाते हैं तो हमें रूम साइज काफ़ी डिसेंट मिलता है। ये अटैच होता है हमारा वॉशरूम और टाइल कॉम्बिनेशन देखिए, लुकिंग ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छा FAR यूटिलाइज किया गया है ताकि काफ़ी अच्छे डिसेंट साइज में आपको वॉशरूम और बेडरूम की साइजेस मिल सके। देखिए ब्यूटीफुल वैनिटी प्लेस हियर और टैप्स और आपको जो बेसिन मिलने वाला है सभी जगवार है, फैंसी लाइट एंड मिरर्स और दोनों ही साइड डार्क टाइल कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स इस वॉशरूम के अंदर आपको फैन फिटिंग मिलता है, एक ट्यूबलाइट मिलती है, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट मिलता है और आपको शावर मिलता है इस तरफ। सो दिस इज ए वॉशरूम जो कि अटैच है हमारे फ्रंट बेडरूम के साथ। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स दोनों ही बैक के जो बेडरूम्स हैं। तो फ्रेंड्स एंटर कर रहे हैं बेडरूम नंबर सेकेंड के अंदर, तो रूम साइज आप देख सकते हैं। ओके, एक अच्छा पैटर्न आपको फॉल सीलिंग में दिखाई देता है, बैक साइड में आपको नीज के साथ फोकस लाइट यहाँ पे दी गई है। तो ये आपका बेड है, उसके बैक साइड का लुक आता है। इस तरफ आपको वार्डरोब मिल जाते हैं फ्रेंड्स जो कि अप टू बॉटम है। यहाँ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है फ्रेंड्स। तो वेंटिलेशन सभी बेडरूम के साथ, सभी वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है, साफ के साथ ये एरिया कनेक्ट है। टाइल कॉम्बिनेशन अच्छा है, ग्रे टोन सोबर के साथ ये आपकी वैरायटी आ जाती है फ्रेंड्स। और स्टाइलिश मिरर लाइट्स ये सभी आपको फिटेड मिलता है। बैक साइड की जो बालकनी है आपको थर्ड बेडरूम से दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो बेसिकली टाइल का ही यूज हुआ है क्योंकि मेंटेन करने में आसान है और वुडन लुक के अंदर ये डार्क टोन के अंदर हमारी टाइल्स कॉम्बिनेशन आ जाती है। तो किसी भी बेडरूम में आप एंटर करते हैं तो जो वॉलपेपर का काम है वो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंटर करते ही एक अलग फील आएगा आपको, एक अलग लुक मिलता है। तो सारे वार्डरोब्स हैं वो वॉल से अटैच ही हैं ताकि मैक्सिमम साइज एरिया आपको मिल सके। और मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वॉक इन क्लोजेट मिलता है फ्रेंड्स। सो दिस इज द ड्रेसिंग एरिया जिसपे फैन भी प्रोवाइड किया गया है, मिरर आल्सो इज देयर। भी फ्रेंड्स आपको स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स होगा हमारा अटैच
थर्ड एंड लास्ट वॉशरूम जो कि मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्ट है। तो टाइल कॉम्बिनेशन आपको लाइट मिलेगा और शार्क के एरिया में आपको डार्क टाइल कॉम्बिनेशन दिखेगा फ्रेंड्स। तो स्मार्ट वैरायटी और एक नाइस सा वॉशिन और मिरर फोकस लाइट्स, ये सभी आपको इस बेडरूम के साथ मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं बैक बालकनी। तो फ्रेंड्स ये हमारी बैक की बालकनी है, वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है और ये बैक पे जो हमारा व्यू आता है इससे तो व्यू जो हमें हाई राइज का भी और ग्रीन का भी अच्छा व्यू मिलता है। तो हमारे गीजर्स, टैप्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं बैक बालकनी में। यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी इस तरफ दे रखे हैं। और हम बात करें ड्रेनेज की तो दो तरफ हमको ड्रेनेज मिल जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट कर ले। टेरेस अभी अवेलेबल है, इससे पहले कि टेरेस सोल्ड आउट हो जाए आप विजिट कर ले। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके लिए इसी तरह की शानदार वीडियोज लेके आता रहता हूँ, विंडो फ्लोर लेके आता रहता हूँ। प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपके लिए प्लॉट्स भी लेके आता हूँ। दीनदयाल के सारी प्लॉट्स मैं आपको इस चैनल में कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा फार्म हाउसेज हैं या शॉप्स हैं, कमर्शियल, एनीथिंग, तो आप मुझे देखने पर कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट आपको मिलता रहेगा।